मंच संचालक महोदय का विशेष स्नेह जब वो मुझे मंच पे आमंत्रित कर रहे थे बोलने के लिए दिख रहा था। आज हम सब सुनने को तो बेताब हैं, जैसे भाई महावीर गुड्डू जी ने सुनाया, ब्रिगेडियर साहब ने मोटिवेट किया, हम सब सुनने को तो उनको आए थे, लेकिन आपने मेरी भी जिम्मेवारी लगाई है तो मैं अपने मन की बात जरूर कहूंगा। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मुझे समय 5 बजे का दिया गया था और मैं 5:30 पर यहां पर पहुंचा। माननीय उपायुक्त महोदय बैठे हैं, अन्य अधिकारीगण बैठे हैं, मेरे पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठे हैं, सब लोग जानते हैं कि जब भी मीटिंग होती है तो मैं 5-10-15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। आज मैं जल्दी नहीं पहुंच पाया, उसका कारण केवल किसी एक जिसका बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार मेरे लिए था उसके कारण नहीं पहुंच पाया। एक्चुअली आज हमारी शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा थी इस राणा हल्के की। मैं बाइक चला रहा था, बुलेट चला रहा था, कंफ्यूज थे। कपिल जी थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, वो कंफ्यूज है, कहने में बुलेट कम चलाई है, मैं स्प्लेंडर चला लूंगा, लेकिन उन्होंने जोश जोश में उन्होंने भी बुलेट उठा ली। पर वो एक मौका ऐसा आया कि उन्होंने अपनी बुलेट मेरी बुलेट में दी और बस हम सारे नीचे, तो फिर भी बचाव हो गया सबका। लेकिन एक्सरे करवाना था, मैं गया तो वहां के डॉक्टर का स्नेह इतना ज्यादा था और डॉक्टर साहब मुझे साथ लेके गए, डॉक्टर रचना जी, उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर तो नहीं हुआ लेकिन आपका मसल ब्रेक हो गया, आपका मांस फटा, तो आप आराम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर अर्चना जी ने कहा ये आराम नहीं करेंगे आप, मैंने सोचा कच्ची पट्टी लगाएंगे, उन्होंने पक्का प्लास्टर लगा लिया और मेरे को बड़ी दिक्कत हुई, आधा घंटा में लेट इसी वजह से हो गया और मुझे और ज्यादा दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है कि करनाल से ये प्लास्टर उतरवा के जाना पड़ेगा। मुझे ये भी डर है कि पत्रकार बंधु बैठेंगे, अभी शाम को तो प्लास्टर चढ़ा था, सवेरे गरोंडा के कार्यक्रम में दौड़ता हुआ आगे जा रहा था, तो भाई मैं प्लास्टर करनाल से उतरवा के जाऊंगा, तो मेरे को लेट इस वजह से हो गया। लेकिन मुझे कल्पना नहीं थी कि इतना भव्य कार्यक्रम अपने प्रवीण अत्रे जी, जिस दिन ये मुझे बुलाने के लिए आए, उन्होंने सहज ही कहा कि भाई साहब एक कार्यक्रम रखेंगे शहीदों के नाम, एक शाम रखेंगे, तो मैं कहा मैं जरूर आऊंगा। वैसे पार्लियामेंट रहेगा, उसके लिए मैंने डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा जब आप आएंगे तभी का टाइम रख रहे थे, लेकिन अड़चन होने के बाद कल ही हमने फाइनल कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी उपस्थिति, और मुझे जैसा प्रवीण जी ने बताया कि 107 शहीदों के परिवार के बच्चे और उनके परिवार के लोग यहां पर आए हुए हैं जिनको आज वो सम्मानित करेंगे, तो मैं सबका दिल की गहराइयों से कि आप मेरे क्षेत्र में पूरे हरियाणा भर से आप यहां पर लोग पहुंचे हैं, माफी मांगते हुए कि मुझे आपसे पहले आना चाहिए था, मैं आधा घंटा लेट आया, फिर भी आपको स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यहां पर मनोज जी हमारे नगर निगम के कमिश्नर हैं, मेरी माता, मैं हमेशा कहता हूं संतोष अतरेजा जी, जो आप पहले आप भी चेयरपर्सन रही हैं राज्य बाल कल्याण परिषद की, और परीक्षा शर्मा जी, मेरा पहली बार परिचय हुआ है, हमारे पुराने वैसे कार्यकर्ता है, ये भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, भगवान दास कबीर पंथी जी, और हमारे परिवार की शिवानी बहन हमारी, वो भी आपके साथ इसी बाल कल्याण परिषद में काम करते हैं, वो भी यहाँ पर पंचकुला से आए हैं, और मैं सभी, मेरी बहनें बैठी हैं, मीडिया के लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मैं एक दो बात कहना चाहूंगा, जाकर देखने का सीखने का मौका मिलता है। मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं या मैं उस पार्टी से टिकट लेकर मैं सांसद बनाऊं, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैंने बॉर्डर एरिया के अंदर जाकर मैंने वहां के लोगों से बात की, किसानों से बात की, तो मैंने देखा कि बिल्कुल जहां तार थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा सांबा सेक्टर में थी, वहां पर कुछ दिन पहले सुरंग भी खुदी हुई थी, मैंने देखा कि हमारे इधर बिल्कुल खेती हो रही थी, हमारे किसान खेती कर रहे थे, तो मैंने कहा भी बिल्कुल आप तार के साथ खेती कर रहे हैं और उधर पाकिस्तान की तरफ तो खेती नहीं हो रही, तो आप, उसने एक बड़ी टचिंग बात की डीसी साहब, उसने कहा कि मोदी जी से पहले हालात उल्टे थे, बिल्कुल बॉर्डर एरिया की जो तार लगी है पाकिस्तान की तरफ खेती होती थी, हमारे तरफ काफी काफी दूर तक जमीन खाली पड़ी रहती थी, बंजर पड़ी रहती थी, जब से मोदी जी आए हैं हमारी तरफ खेती होती है और उधर वो पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर एक गोली चलती है तो ये 10 गोले फेंकते हैं, एक गोली के बदले 10 गोले, ये फ्री हैंड मोदी जी ने दिया। और वहां के जो बॉर्डर एरिया के गांव थे, मैंने एक एक घर में जाकर देखा,
हर घर के अंदर बंकर बना हुआ था। पहले गांव के गांव पलायन कर चुके थे बॉर्डर एरिया के, वहां पर हर घर में बंकर बना हुआ था कि अगर उधर से, हालांकि बंकर की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर मैंने देखा कई बंकर वो में लोगों ने स्टोर बना के अपना सामान रखा। मैं कहूं ये क्या कर रखा है, कहते हम जरूरत नहीं पड़ती, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हिंदुस्तान की तरफ वो करें। और अभी मैं जब सिक्किम गया तो नाथुला पास है वहां पर 14,000 मीटर की ऊंचाई पर, मैंने वहां देखा उस दिन इंडिया और चाइनीज के अफसर हमारे तरफ आए हुए थे, बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि इस तरह भी बॉर्डर हो सकता है, वहां देखा बड़े बड़े हॉल बने, तो उस दिन वो आए हुए थे। हालांकि वो विजिटर्स के लिए बंद कर देते हैं, लेकिन वहां के गवर्नर साहब ने स्पेशल परमिशन देकर मैं गया, मेरा परिवार भी साथ में था, तो मैंने देखा वो आए हुए थे और चीनी सैनिक भी। अब जो बिल्कुल उन्होंने कहा, एक वर्ड भंडारी जी ब्रिगेडियर साहब ने एक बात बोली कि इम्प्रेडिक्टेबल है, उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता चाइनीज को। मैं तो उसको देसी भाषा में कहना चाहूंगा, चाइनीज धोखेबाज हैं, झूठे हैं और वो जुबान के पक्के नहीं है, बेजुबाने हैं। अभी कुछ डिसाइड करके जाएंगे, आधे घंटे बाद अपनी जुबान बदल देंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान ने, उन दिनों में थोड़ा सा वो भी था, हमारी फोर्स बॉर्डर के ऊपर खड़ी थी, मीडिया में पब्लिश नहीं थी वहां पर, अब वो बैकफुट पे, अब चाइना बैकफुट पे है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि शहीदों के सम्मान के साथ, क्योंकि शहीद हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, जो वीर सैनिक हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, कम से कम परमात्मा के पास जाने के बाद उनके मन में ये तो सुकून रहे कि हमारी जानों के साथ सौदा नहीं किया जा रहा, सरकार डट के विरोधियों के सामने को एक तरह की मन की संतुष्टि है। आपने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रचा और ये कार्यक्रम मैं बहुत बधाई देता हूँ, राज्य बाल कल्याण परिषद को बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह से आपने अडॉप्ट किया शहीद सैनिकों के बच्चे को, आपने 12 साल तक की आपकी लिमिट थी, आपने वो लिमिट भी क्रॉस कर दी, आपने 18 साल तक के बच्चों को पूरा उनका जीवन का, उनकी शिक्षा का सारी चिंता करेंगे। और अब तक जो कारगिल के शहीद हुए उनकी भी, क्योंकि उनकी 22 साल हो गए उसको, तो मैं समझता हूँ कि वो क्रॉस करके बच्चे 18 साल की उम्र। और एक काम और हरियाणा सरकार ने और केंद्र ने जो सोचा है कि जो कोविड के समय में जो बच्चे अनाथ हो गए उनकी भी चिंता अब आपके बाल कल्याण परिषद को करनी पड़ेगी, आप उसकी भी चिंता करते हैं, आप जो अनाथ बच्चे हैं उनकी भी चिंता करते हैं, बच्चों को गोद देने की भी चिंता करते हैं। आपका काम बहुत पुण्य का काम है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, प्रवीण जी मेरे घर चले गए सुनने के लिए, आज पीछे खड़े हैं, आज मैं आगे देख रहा हूं, मैं कहूं प्रवीण जी कहां गए। प्रवीण जी, मैंने, मेरी माँ कहा करती थी कि आदमी को अपने दिन का 24वां हिस्सा संतों के साथ बिताना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों की संगत करनी चाहिए, अगर संत ना मिले तो फिर वो एक घंटा, 24वां हिस्सा एक दिन का कितना हुआ, एक घंटा, तो एक घंटा आपको अगर संत ना मिले तो आपको बच्चों के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी संतों की तरह निर्मल होते हैं। और परमात्मा ने तो आपको तो कृपा इतनी की, आपका तो पूरा काम ही बच्चों से संबंधित है, जितना सेवा भाव रख के आप ये काम करेंगे परमात्मा उतना ही आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाएगा। पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करें, पूरा प्रशासन जिस तरह अभी मेरे को बता रहे थे कि डीसी साहब बहुत हेल्पफुल है, अगर किसी तरह की फंड्स की दिक्कत आती है आपकी मदद करते हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अच्छे कामों को आगे बढ़ाएं। इसी तरह जिस तरह आपने ये सम्मान का कार्यक्रम रखा है, इसी तरह के कार्यक्रम और करें, क्योंकि कोविड के कारण आज ये थोड़ा प्रोटोकॉल के कारण आपने कम संख्या बुलाई होगी, तो अगली बार पूरे हरियाणा को एक जगह पे आप इकट्ठा करें, हम सब आपका सहयोग करेंगे। और आपने मुझे यहां बुलाकर जितना मान और सम्मान दिया उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माफी मांगते हुए थोड़ा सा समय मुझे लगता है मैंने 5-7 मिनट ज्यादा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।